छतरपुर में अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापा मारा। वहां से प्रशासन के अधिकारियों ने भारी मात्रा में पॉलिथीन बनाने का सामान जब्त किया और संचालक द्वारा फैक्ट्री संबंधी कोई भी दस्तावेज ना दिखाने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया। छतरपुर के रिहायशी इलाके में अवैध बागेश्वरी प्लास्टिक फैक्ट्री चल रही थी। मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए यहां पर छापा मारा और भारी मात्रा में पॉलिथीन बनाने का सामान, मशीन, औजार सहित प्लास्टिक बरामद की। जब अधिकारियों ने फैक्ट्री संचालक से इस फैक्ट्री के दस्तावेज मांगे तो फैक्ट्री संचालक ने कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील कर दिया और आगे की जांच शुरू की। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि नारायणपुरा रोड पर बागेश्वरी प्लास्टिक फैक्ट्री है, वहाँ अवैध रूप से संचालित की जा रही है। उसके तारतम्य में आज उद्योग विभाग के सहायक प्रबंधक और प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी सागर से आज उपस्थित हुए, नगर पालिका भी उपस्थित हुई। इसमें हमने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में जो प्रदूषण विभाग की अनुमति होती है वो नहीं पाई गई और ना ही उद्योग विभाग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पाया गया। इसके अलावा जो आवासीय डायवर्सन पाया गया जो कमर्शियल होना चाहिए, इसके अलावा कुछ निरीक्षण में जो प्लास्टिक कैरी बैग लगभग 37 kg प्लास्टिक कैरी बैग पाए गए हैं, जिन्हें जब्त करके नगर पालिका को सुपुर्द किया गया और इसमें हम पंचनामा और स्टेटमेंट वगैरह कार्रवाई की है लाइटिंग में और इसमें हम अग्नि वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।